हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्पीड पे। मैं हूं हेमंत। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट हम मेरा कहने का मतलब यही होगा, जो आप अच्छे मार्क्स के लिए लाइक 100 मार्क्स के लिए फाइट कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है ना, वो आप पे डिपेंड थोड़ी ना है, जो आप जो बोलोगे वो पूछेगा, तो वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप मत करो। तो बाकी जो क्वेश्चन है तो वो तो करने चाहिए सभी को, बट आप अच्छे मार्क्स के लिए 100 मार्क्स के लिए लाइफ फाइट कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन कभी स्किप मत करो। ओके, क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। द सिस्टम ऑफ द नॉन ट्राइवल। नॉन ट्राइवल क्या होता है? जहाँ पे रैंक रिड्यूस हो जाता है नंबर ऑफ वेरिएबल से। नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास 3 है, 4 है, रैंक रिड्यूस कर गया, यानी कि रैंक आपके 2 आ गए, 1 आ गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपके पास ये है। ओके, इसका कॉन्स्टेंट टर्म यदि ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखे हम, तो बी तो क्या है, 0 यहाँ पे, तो उस फॉर्म में यहाँ पे लिखे तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपके पास ये कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट हमने लिख लिया। अब देखो हमें क्या करना है, आप इसे डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल दो, क्योंकि 0 है इक्वल, डिटरमिनेंट निकालो तब भी सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा, यदि आप क्या करो, 0 के इक्वल सॉल्व करके यदि रैंक के थ्रू निकालो एकलन फॉर्म के थ्रू, तो उससे भी निकल जाएंगे। तो मेरा मानना यही होगा, मेरा कहने का मतलब ये होगा, जो आप रैंक के थ्रू निकालो, जिससे आप इजी तरीके से निकल जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट 0 करते हैं, रैंक के निकालते हैं तो एकलन फॉर्म में, तो हमने क्या किया, वही एलिमेंट 0 करना है। तो क्या करें, देखो डायगोनल एलिमेंट के पार्ट 0 करना है, तो C1 में चेंज करो, इसमें चेंज करें हम, और इससे तीनों को ऐड कर दे, ऐसे ही C1 इस वाले पार्ट में ये और ये सबको ऐड कर देना हम, तो क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो माइनस का 8 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या हो, 3 के माइनस 2, ऐसे इसमें देखो तो 3 के माइनस 2, और ऐसे इसमें देखो तो 3 के माइनस 2। अब देखो ये सेम है, तो C1 से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो C1 से, टेकिंग कॉमन ऑन C1, तो C1 से जब कॉमन ले लो तो यहाँ से 1-1 बच जाएगा सब पे। तो आगे देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप मत करो, मेरा कहने का मतलब यही है, क्या पता एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं ना, वैसे भी वो तो आप पे डिपेंड नहीं करेगा ना। तो हम क्या करें, कॉमन ले लें यहाँ से, हमने क्या किया, C1 कॉमन ले लिया, 3 के माइनस 2 कॉमन ले लेगा तो 1-1 बच जाएगा। ओके, अब देखो हमें एकलन फॉर्म क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट 0 करना होता है, तो उसी को एकलन फॉर्म बोलते हैं, और उसके थ्रू हम इजी तरीके से K की वैल्यू जो भी कुछ आएगा निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो इसका, तभी आ जाएगा, बट एकलन फॉर्म से निकालोगे तो आपको कैलकुलेशन कम करने पड़ेंगे। ओके, तो देखो क्या करें, हम R2 माइनस कर ले इससे, R3 माइनस इससे कर ले, यानी कि देखो R2 माइनस करोगे R1 से और R3 माइनस करोगे R1 से, तो ये 0 हो जाएंगे। तो वही हमने किया है, देखो ये इससे माइनस होगा 0, ये इससे माइनस होगा 3 के माइनस 11, इससे तो ये 0, और R3 में बात करें तो ये माइनस ये 0, और ये माइनस ये जब इससे होगा तो 0, और ये माइनस इससे होगा तो कितना हो जाएगा, 3 के माइनस 11। ओके, और देखो हमें फाइनली जो चाहिए था वो बन गया, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट 0 बन गया। अब देखो एक जो यहाँ पे ट्रिक है वो बताता हूँ, जब भी आपके ना डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट 0 आ रहा है ना, तो डायरेक्ट इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ट्रिक है, ठीक है। और देखो जैसे डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट आप 0 आ रहा है या ऊपर वाला पार्ट 0 आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर लो आप। ओके, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। देखो यही इस क्वेश्चन आप डिटरमिनेंट्स निकालोगे ना, तो वहाँ पे ये काम भी नहीं करेगा ट्रिक, और क्या बोलते हैं, लेंदी भी हो जाएगा आपके कैलकुलेशन। तो मैं यही कहूँगा आप इसके थ्रू करो, हमारे पास तो देखो ये तो है ही, अब क्या करें, हम इसे मल्टीप्लाई कर लें, जैसे बताया डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट 0 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो डायगोनल एलिमेंट को आप। तो हमने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो ये 1 से, तो ऐसे ही आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होते स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो देखो ये वाला पार्ट ये आ गया, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो यहाँ से के की वैल्यू निकाले अलग अलग करके 0 को इक्वल, क्योंकि 0 जो ax इक्वल टू क्या था हमारे पास, बी था ना, तो के की वैल्यू यहाँ से निकाले तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से निकाले तो 2 वैल्यू निकलेगी के की, 11/3, 11/3, तो ये फाइनली हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, जैसे डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट आप 0 कर लो और ऊपर वाला पार्ट 0 कर लो, ऐसे कंडीशन ऐसे क्वेश्चन में, तो डायगोनल एलिमेंट के जो भी एलिमेंट है उसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।